भाई आ जाओ, चले आओ चले आओ, भालू का नाच देखने के लिए चले आओ। आज ऐसे ऐसे खेल देखने को मिलेंगे जिससे कि तुम सब लोग दंग रह जाओगे। तुम्हारे गांव में आ गया मदारी भालू को लेके। मोदी जी बहुत टाइम बाद लौटे अपने भालू को लेके। 3 साल पहले आप हमारे गांव में इस भालू को लेके आए थे। उस टाइम ये भालू बच्चा था, अच्छी तरीके से नाच नहीं दिखा पाया था, लेकिन अब तो सही नाच लेता होगा। राहुल 3 साल से मेरे भालू ने कोई झक थोड़ी मारी है। 3 साल पहले जब मैं आपके गांव में इस भालू को लेके आया था तो ये भालू नया था, इतना अच्छा नाच जानता नहीं था। अब तो ये बहुत अच्छा नाच लेता है, अभी दिखाता हूँ इसका नाच। मोदी जी ये तो एक पैर पे खड़े होके भी नाच लेता होगा। अभी बराबर वाले गाँव में एक मदारी आया था, उसने भालू का नाच दिखाया था तो उसका भालू एक पैर पे खड़े होके नाचा था। भाई साहब ये तो एक पैर पे अभी खड़ा होके नहीं नाच पाता है, इसे मैं एक पैर पे नचाना अभी सिखा रहा हूँ। और लालू जी आप मेरे पीछे कैसे खड़े हुए हो, सामने को आओ। मैं इस गांव में भालू का नाच दिखाने के लिए कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ और तुम हर साल पीछे ही खड़े होते हो, बताओ तो। और मेरा भालू का नाच देखने के लिए भी जरूर आते हो। देखो मोदी जी साफ साफ बताओ, मुझे भालू का नाच देखना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भालू से डर भी बहुत लगता है, इसीलिए पीछे खड़े होकर नाच देखता हूँ। मोदी जी आप तो कह रहे थे कि 3 साल में आपने भालू को बहुत अच्छा नाच दिखा दिया, ये तो सही तरीके से नाच ही नहीं रहा है। मुझे इसका नाच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। अमित शाह जी बेबालतू की बात नहीं करते, मेरा भालू कोई एकदम थोड़ी नाचने लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा नाचने में, कुछ देर यहाँ पे रुको तो। तुम तो आबद मचाए पड़े हो। मोदी जी कितनी देर रुके यहाँ पे, हमें तो खेत पे काम करने के लिए जाना है, आपको और कोई काम थोड़ी है। आप तो इस भालू को लेके दूसरे गांव में निकल जाओगे, हमें तो अपनी खेती बाड़ी भी देखना है। भाई साहब आपको खेती बाड़ी देखने के लिए मैं मना करा हुआ हूँ, अभी जाना चाहते हो अभी चले जाओ, ये तो भालू का खेल है, तुम जाओगे दूसरे लोग देखने के लिए आ जाएंगे। मोदी जी आप इस भालू को खिलाते क्या हो, मेरा मतलब ये क्या खाता है। बहन मायावती जी आप भी बेफालतू के सवाल करती हो, ये शहद बहुत शौक से खाता है, पूछ लो मोदी जी से, शहद का खाने का बहुत शौकीन है ये। नहीं मनोहर लाल खट्टर जी, ये आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी तरीके से खाता है। अरे भाई लोगो, तुम यहाँ पे भालू का नाच देखने के लिए आए हो या इसका खाना पता करने के लिए आए हो, आराम से नाच देखो। मोदी जी आपके हाथ की बनी हुई चाय पीकर मजा आ जाता है, लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपकी चाय में ऐसी क्या बात होती है जो इतनी अच्छी लगती है। योगी जी तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देखो जब से मैंने ये चाय की दुकान खोली है तब से मैंने बकरी के दूध की ही चाय बनाई है, इसीलिए चाय का टेस्ट अच्छा होता है, क्योंकि मैं बकरी के ही दूध की चाय बनाता हूँ, भैंस के दूध की चाय बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। राहुल तुम बहुत देर लगाते हो अपनी बकरी को यहाँ पे लाने में, चलो जल्दी जल्दी बकरी से दूध निकालो, चाय बनाने के लिए दूध भी खत्म हो गया। मोदी जी बेफालतू की तो बात किया मत करा करो, एक तो ये बकरी आपकी चाय की दुकान पर आने के लिए काफी नखरे करती है, बड़ा मुश्किल से आती है, और मैं घर से बकरी का दूध निकाल के लाता हूँ आपके पास तो आप लेते नहीं हो, कहते हो मेरे सामने ही बकरी का दूध निकाल के दो। राहुल तुम भी बेफालतू की बात मत किया करो, तुम जब भी बकरी का दूध घर से लाती हूँ बिल्कुल पतला दूध होता है, और जब मेरे सामने यहाँ पे बकरी का दूध निकालते हो तो बिल्कुल गाढ़ा दूध होता है। अभी देखो तुम्हारे सामने ही योगी जी मेरी चाय की तारीफ ही कर रहे थे, यही दूध अगर तुम घर से बकरी का निकाल के लाए होते तो पानी मिला के लाए होते और चाय में इतना मजा होता नहीं। मेरे यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग चाय पीने के लिए आते हैं, अगर मैं इस बकरी के दूध के खरे पैसे देता हूँ तो खरा दूध भी तो लूंगा, मतलब प्योर दूध लूंगा मैं। मोदी जी आपको बहम लगता है बेफालतू का, मैं घर से कोई पानी मिला के लाता हूँ दूध में, और खरा पैसा क्या, क्या अलग से मुझे पैसे दे रहे हो। अलग से दे नहीं रहा हूँ, पैसे बकरी का दूध गांव में सब लोग 100 रुपए लीटर बेच रहे हैं और मैं तुम्हारी बकरी का दूध 150 रुपए लीटर लेता हूँ। मोदी जी वाकई में आप प्योर दूध की चाय बनाते हो, अरे भैंस की दूध की चाय तो सभी लोग बेचते हैं, लेकिन बकरी के दूध की चाय बहुत ही कम लोग बेचते हैं। अखिलेश बहुत कम लोग नहीं बेचते हैं, मैं ही बकरी के दूध की चाय बेचता हूँ, क्योंकि बकरी का दूध मिलना बड़ा मुश्किल होता है, सब लोग बकरी के दूध की चाय बनाकर नहीं बेच सकते। अब देख रहे हो मैं राहुल से बकरी को अपनी दुकान पे ही बुलवा के दूध निकलवाता हूँ, प्योर दूध मिलता है, चाय अच्छी होती है। मोदी जी चाय अच्छी होती है तो चाय भी तो आप 1 कप 50 रुपए की बेचते हो, बेहिसाब महंगी चाय बेचते हो, लेकिन क्या करें चाय तुम्हारी अच्छी है इसीलिए पीना पड़ता है। आ जाओ गांव में जल्दी जल्दी चले आओ बंदर बंदरिया का खेल और नाच देखने के लिए। योगी जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैंने आपसे 1 महीना पहले से कह रखा है कि गांव में अगर मोदी जी जब भी बंदर बंदरिया का खेल दिखाने के लिए आए तो मुझे जरूर फोन कर देना, लेकिन तुम तो आराम से खड़े होकर मोदी जी जो बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहे हैं
देख रहे हो, वो तो मुझे राजनाथ सिंह जी ने बता दिया, तो मैं मोटरसाइकिल से भागा भागा चला आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे योगी जी एक बात तो बताओ, कितनी देर हो गई मोदी जी को बंदर बंदरिया का खेल दिखाते हुए। राहुल तुम तो बेफालतू में चिंता कर रहे हो, मैं खुद अभी यहाँ पे आके ही खड़ा हुआ हूँ, अभी सही से खड़ा नहीं हुआ हूँ, अचानक तुम पीछे पीछे चले आए, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मोदी जी कितनी देर हो गई आपको इस बंदर बंदरिया का खेल दिखाते हुए? बस योगी जी अभी तो आया ही हूँ मैं, अभी तो सही तरीके से खेल शुरू भी नहीं हुआ, खड़े कैसे हो, आराम से नीचे बैठ जाओ। मोदी जी बड़ा जल्दी आ गए इस बार आप गांव में बंदर बंदरिया लेके, क्योंकि अभी 6 महीने पहले तो आप आए थे, पहले आप साल भर में आते थे, अब तो इस साल में 2 बार आ गए। क्यों अखिलेश, मेरा बार बार आना तुम्हें पसंद नहीं है? गांव के लोग तो ये चाहते हैं कि मैं बंदर और बंदरिया का खेल हर 3 महीने में दिखाने के लिए आया करूं। मोदी जी एक बात बताना, इसमें बंदर कौन सा है और बंदरिया कौन सी है? जिसकी रस्सी मेरे हाथ में है ये बंदरिया है, और वो अलग को बैठा हुआ है वो बंदर है, जिसके शरीर पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं। मोदी जी आपने बंदरिया की रस्सी तो पकड़ रखी है और बंदर की रस्सी को छोड़ दिया है, दोनों की रस्सी पकड़ के रखो, हमें बड़ा डर लगता है बंदर बंदरिया से। लालू जी जिससे डरने की बात है उसकी रस्सी मैंने पकड़ रखी है, मेरा मतलब बंदरिया थोड़ी खतरनाक है, ये किसी को भी काटने के लिए डट जाती है, इसीलिए इसकी रस्सी पकड़े पड़ा हूँ मैं। बंदर ऐसा नहीं है, वो बहुत सीधा है। लेकिन मोदी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इस बंदर की भी रस्सी को पकड़ लो, देखो मैं तो मोटरसाइकिल के पीछे खड़ा हुआ हूँ, मुझे बंदर से बहुत डर लगता है, लेकिन बंदर और बंदरिया का खेल देखने में बड़ा मजा आता है। खेल तो तुम सब लोगों को देखने में मजा आता ही है, अब थोड़ी सी जेब ढीली करो, बंदर और बंदरिया को कुछ पैसे दो। मोदी जी बंदर बंदरिया को तो पैसे हम दे देंगे, लेकिन कम से कम खेल तो पूरा दिखाओ। सुबह से एक बैंगन भी बिक जाता तो दिल को सुकून मिल जाता, लेकिन एक बैंगन भी कोई खरीदने वाला नहीं आया है, पता नहीं लोगों ने बैंगन खाना बंद कर दिए। राहुल तुम्हारे तो बैंगन फिर भी अच्छे नहीं है, मेरे तो इतने बढ़िया बढ़िया बैंगन है, लेकिन फिर भी कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। राहुल तुम सही कह रहे हो, कहीं लोगों ने बैंगन खाना तो बंद नहीं कर दिए, मुझे लगता है बैंगन का काम छोड़कर परमल बेचना शुरू करूंगा अब मैं, जैसे अखिलेश परमल बेच रहा है। अरे योगी जी परमल भी कहाँ बिक रहे हैं, सुबह से बैठा पड़ा हूँ, 1 किलो परमल नहीं बिके। अरे योगी जी वो देखो मोदी जी आ रहे हैं आपकी तरफ, आ रहे हैं आपकी तरफ, अरे ये तो राहुल की तरफ बढ़ गए। राहुल ये बैंगन क्या रेट बेच रहे हो, बैंगन खाने का मन है आज, 1 किलो बैंगन खरीद कर ले जाऊंगा। मोदी जी सुबह से एक बैंगन तो बिका नहीं है, तुम मेरे पहले ग्राहक हो, जिस रेट में भी ले जाना चाहते हो ले जाओ बैंगन को, तो राहुल फ्री में दे दो, 1 किलो बैंगन फ्री में दे दो। अरे मोदी जी मैंने ये कहा किसी रेट में भी ले जाना चाहते हो ले जाओ, फ्री में थोड़ी बोला। लेकिन राहुल एक बात बताना मुझे, साफ साफ बताना, तुम्हारे बैंगन काले बहुत हैं, जबकि बराबर में योगी जी बिल्कुल बैंगनी कलर के बैंगन बेच रहे हैं। अरे मोदी जी रंग पर मत जाओ, मैंने अपने बैंगन की खेती में उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था, इसीलिए रंग ज्यादा काला हो गया, लेकिन जितना ज्यादा बैंगन काला होता है उतना ही अच्छा खाने में होता है। मोदी जी राहुल की बातों में मत आओ, बैंगन तो यही बैंगनी वाला अच्छा है जो मैं बेच रहा हूँ, देखो कितना बढ़िया बैंगन है। लेकिन योगी जी बैंगन तो तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन हमेशा मैं सब्जी राहुल की दुकान से खरीदता हूँ। अरे मोदी जी कभी कभी परमल भी ले लिया करो, हम भी देखो परमल बेच रहे हैं। अगले परमल की सब्जी खाने में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती है, हाँ अगर जिस दिन भी परमल खाने का मन होगा तो तुम्हारी दुकान पर चला आऊंगा, मुझे मालूम है तुमसे अच्छा परमल इस एरिया में कोई नहीं बेचता है। लेकिन बड़ी जान आफत में समझ में नहीं आ रहा है किसका बैंगन लूं, योगी जी का बैंगन लूं या राहुल का बैंगन खरीदूं। योगी जी का बैंगन थोड़ा अच्छा है, लेकिन राहुल से मैं परमानेंट सब्जी खरीदता हूँ, इसीलिए वो दाम भी कम लगाता है। ऐसा करता हूँ बैंगन आज खाऊंगा ही नहीं, अखिलेश परमल दे दो, आज परमल ही खा लेता हूँ तुम्हारी दुकान से, दे दो 1/2 किलो परमल, और भाइयों को वीडियो में लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश पंपिंग सही से करो, सही से पंप को दबाओ, तभी तो साइकिल के ट्यूब में हवा भरेगी, सही से पंप को दबाओ, तुम सही तरीके से इस साइकिल के ट्यूब में हवा भर ही नहीं पा रहे हो। मोदी जी एक बात बताओ, मेहनत वाला काम आप हमसे कराते हैं, और साइकिल अगर पंचर हो जाए तो पंचर ठीक करने के पूरे 50 रुपए लेते हो, अरे साइकिल में तो हवा भर के हम देते हैं, मेहनत का काम होता है हवा भरना, मैं नहीं भरूंगा। और पता नहीं आप मेरी साइकिल में कैसे पंचर ठीक करके देते हो कि दूसरे दिन पंचर हो जाती है। अखिलेश क्या कह रहे हो कि मैं तुम्हारी साइकिल में पंचर ठीक तरीके से सही करके नहीं देता? अरे मैं पंचर को हर दिन सही तरीके से ठीक करता हूँ, लेकिन तुम अपनी साइकिल पे वजन ही इतना लादती हो, क्योंकि मैंने अपनी दुकान से कई बार तुम्हें निकलते हुए देखा है जब तुम्हारी साइकिल पे काफी वजन होता है, जब इतना
ज्यादा वजन अपनी साइकिल पर लादोगे तो साइकिल तो पंचर हो ही जाएगी, इसमें मेरी क्या गलती है। अच्छा मोदी जी वो देखो, राहुल भाई अपनी साइकिल पर कितना भारी बोरा लाद कर ले जा रहे, लेकिन उनकी साइकिल तो कभी पंचर नहीं होती। लगता है आप मेरी साइकिल में पंचर ठीक तरीके से लगाते ही नहीं हो। वो तो ये कहो, इस गांव में अकेली पंचर की दुकान आपकी ही है, नहीं तो मैं किसी और से पंचर ठीक करवाता अपनी साइकिल में। लेकिन अखिलेश मेरी साइकिल ऐसी पंचर थोड़ी ना होती है, क्योंकि मेरी साइकिल का टायर और ट्यूब भी तो नए हैं। अब तुम्हारी साइकिल के टायर बिल्कुल घिस गए, लेकिन फिर भी तुम टायर और ट्यूब नहीं बदल पा रहे हो अपनी साइकिल में। अरे नए टायर और ट्यूब डलवाओ अपनी साइकिल में, तभी तो पंचर नहीं होगा। और तुम्हारी साइकिल भी काफी पुरानी हो गई है, जब से ये साइकिल आई है तब से तुमने एक बार भी टायर और ट्यूब चेंज नहीं करवाए। ये राहुल तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी अखिलेश से यही कहने वाला था भाई, ये तुम्हारी साइकिल में पंचर इसीलिए तो ज्यादा होता है, तुम्हारी साइकिल का टायर और ट्यूब बिल्कुल घिस चुका है। अरे योगी जी मेरी साइकिल पर अपना पैर रखे पड़े हो और आराम से बैठे पड़े हो, पैर हटा लो कहीं साइकिल का पहिया टेढ़ा ना हो जाए। और योगी जी आप भी मोदी जी की दुकान पर पूरा पूरा दिन खाली बैठे रहती हो। अखिलेश ये बताओ तुम्हारी साइकिल का पहिया क्या मोम का है जो टेढ़ा हो जाएगा, और तुम्हें इससे क्या लेना देना मैं मोदी जी की दुकान पर एक घंटा बैठूं या